हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली कन्वर्जेशन में यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सब जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फिर मिलेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। चलिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल और इफ़ ऑल गोज़ वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। गाइज, बोथ मीनिंग आर सेम, आप दोनों में कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। इफ एवरीथिंग गोज़ वेल और इफ़ ऑल गोज़ वेल प्लस सेंटेंस। इफ एवरीथिंग गोज़ वेल और इफ ऑल गोज़ वेल प्लस सेंटेंस। सबसे पहले हमको एवरीथिंग गोज़ वेल लिखना है, उसके बाद सेंटेंस को स्टार्ट करना है। लेट द सब एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फिर मिलेंगे। इफ़ ऑल गोज़ वेल वी विल मीट अगेन। इफ़ ऑल गोज़ वेल वी विल मीट अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। इफ़ एवरी थिंग गोज़ वेल आई विल कम टू सी यू, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सब जल्दी ही वापस आ जाएंगे। If everything goes well, they will come back soon. If everything goes well, they all will come back soon. Guys, ये practice sentence आपके लिए है, इसको आप practice कीजिए, इससे आपकी practice हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों में share कीजिए। Thank you.